नीरज गौतम। ये हमारे मामा थे, सगे मामा थे हमारे, जिनके दो बहन है, उनमें राधा है जो बड़ी बहन है, उनके लड़के हम हैं और ये छोटे छोटी बहन के लड़के हैं, हम लोग भांजे हैं। हुआ ये कि ये थोड़ा नशेबाजी करते तो हमारे पास आते नहीं थे हम लोग पास, तो ये यूपी ट्रांसपोर्ट भवन में ये यही दोस्ती यारी में यहीं आते थे, यहीं लेटते थे, यहीं बैठते थे। अब जो यहाँ के मालिक भी कह रहे हैं कि यहाँ नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पूरा मोहल्ला जानता है कि यहाँ आते थे, पूरा मोहल्ला भी जानता है कि यहाँ आते थे। हम लोग ये जानते हैं कि उनको मारा गया है, खून निकला, नाक से निकला, अभी भी निशाने एक से एक पड़े हैं, जांग में है, हर तरफ निशान है। ये जो ट्रांसपोर्ट भवन के मालिक हैं बोल रहे हैं कि यहाँ का नहीं है, हमसे मतलब नहीं है। जी जी जी, वो पूरी 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 शंका की हत्या की गई, क्योंकि उनके पूरे शरीर में मार के निशान है और नाक पे भी खून के निशान है, पूरे खून निकल रहा है और घसीटने के निशान भी है यहाँ। आज दिनांक 1 सितंबर 2023 को थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर में एक डेड बॉडी होने की सूचना मिली, जिसमें कि तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा यहां पर आकर मौका मुआयना किया गया है। यहां पर एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति जिसका कि नाम संतोष है, वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया देखा गया है कि उनको शरीर पर चोट है। FSL को बुलाकर सभी वैधानिक कार्रवाई यहां पर की गई है। इसमें तत्काल ही अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।